नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज क्रिप्टो के अंदर क्या हो रहा है और ट्विटर पे क्या बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट निकल के सामने आ रही है और मीम कॉइंस के अंदर आज क्या चल रहा है, पूरी की पूरी अपडेट मिलने वाली है वीडियो के साथ, एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात यहाँ पर की जाए मार्केट की कि आज मार्केट के अंदर क्या रिएक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैप जो है 2.71 ट्रिलियन हो चुका है, मतलब कल से डिक्रीज हुआ है 0.79%। और फियर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है भाई, ये बड़ा है, 90 तक आ चुका है मीटर, मतलब बुलिश ही रहने वाली है मार्केट। फियर एंड ग्रीड जो मीटर यहाँ पे बता रहा है वो इस हिसाब से है। तो बात करें BTC कॉइन की, तो रात को भाई एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, रिकवरी भी हो चुकी है। जी हाँ, रात को अपने इसको 68-69 के आंकड़े भी देखने को मिले थे, लेकिन मेरा कहना है कि वहाँ एक बड़ा मौका दिया था इसने बाइंग करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने उस मौके का फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि वो नाइट के अंदर हुआ था। लगभग 71,450 पे प्राइस चल रहा है, तो जो डाउनफॉल आया था वो लगभग रिकवर उसी टाइम हो गया। तो चलते हैं दोस्तों बाकी मीम कॉइन्स में क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। सबसे पहला कॉइन यहाँ पे शिबा इनो कॉइन, फिर फ्लोकी इनो कॉइन की बात करेंगे, और फिर पेपे इनो कॉइन की बात करेंगे, बेबी डोज की बात करेंगे, और लवली इनो कॉइन में क्या चल रहा है वो भी बताने वाले हैं आप सबको। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात की जाए बेबी डोज कॉइन की, तो यहाँ पर क्या चल रहा है आपके सामने है। जैसे ही मार्केट गिरी थी रात को नाइट को, तो यहाँ पर भी एक बड़ा गिरावट सभी कॉइनों में देखने को मिली थी, लेकिन एक कॉइन ऐसा है जिसमें नहीं मिली, वो भी बताएंगे, क्योंकि उस कॉइन को मैं लगातार रेकमेंड करता रहता हूं। और यहां पे 10% के आसपास अभी भी डाउनफॉल बना हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी काफ़ी डाउन के अंदर है। तो बेबी डोज भी अभी गिरावट में है, क्योंकि मार्केट दोस्तों कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश यहां पे करती हुई नज़र आ रही है। और अगला ट्वीट है दोस्तों, अगला जो कॉइन है उसके बारे में बताएं आपको, शिबा इनू कॉइन। तो यहाँ पर 31 की सीरीज, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है 3051, ये एक बड़ी सपोर्ट है, यहाँ से अगर नीचे जाता है तब घबराने की ज़रूरत है, जो कि नाइट को कहा जाए तो उसके आसपास पहुँच गया था, लगभग आसपास ही पहुँचा था, लेकिन उसको टच नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट अपना वर्क कर रही है। तो 4-5% शिबा इनू कॉइन के आसपास भी यह करेक्शन देखने को मिल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ये रिकवरी होती हुई नज़र आ जाएगी, आज ही हो सकती है ये रिकवरी। और अगला जो टारगेट है बिटकॉइन का, आज बढ़ सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे को अगर जाना होता तो नाइट के अंदर चला जाता, वहाँ से वापस आया है, तो इसका मतलब यही हो चुका है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 34% शिबा इनू कॉइन की यहाँ पे डाउन के अंदर देखने को मिल रही है। और जिस कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो कोई कॉइन और कॉइन नहीं है, वो है फ्लोकी इनो कॉइन, जिसमें आप बात करोगे 26 की सीरीज, मतलब यहीं चल रही थी और वहीं होल्डिंग अभी तक बनी हुई है, और 5% ही डाउन है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो बड़ी बर्निंग हुई है उसका भी रिएक्ट अभी इस पर देखने को मिलेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो इसका प्राइस आसमान छुएगा, ये कह सकते हो कि 100-150% पंप होने के फुल चांसेज हैं इसके। और लगभग ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 44% अभी भी डाउन है। और आप ग्राफ देख सकते हो, जो नाइट को करेक्शन आया था तो फ्लोकी इनो कॉइन के अंदर वो बड़ा दबाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला, ये एक अच्छी न्यूज है इसके लिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये भागने वाला, मतलब उठने वाला कॉइन बनके जल्द आपको दिखा सकता है दोस्तों। और बात करेंगे आखिरी में अपने लवली इनो कॉइन के बारे में, तो यहाँ क्या चल रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो की वजह से अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर भी 1% का डाउनफॉल ही है, सिर्फ और सिर्फ 1%। तो ये कॉइन भी दोस्तों 40-50% का बूस्ट अपने को 2 दिन पहले दिखा चुका है, तो इस कॉइन के भी आपकी निगाह बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये कॉइन कभी भी आप ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, कम से कम 50-60-70% का बूस्ट इसके अंदर देखने की उम्मीद दोस्तों है। और पहले भी ये कॉइन जब बियर रन के अंदर मार्केट चल रही थी, तब भी ये कॉइन 100-150-200% के पंप अपने को दिखा चुका है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे 11% के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम इस कॉइन की अभी डाउन के अंदर दोस्तों बनी हुई है। और ग्राफ की बात की जाए तो आपके सामने है, नाइट के ये भी गिरा था लेकिन वापस रिकवर हुआ है और ऊपर बढ़ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों ट्विटर पे क्या अनाउंसमेंट है वो भी जान लीजिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कर दें लाइक, और टेलीग्राम का लिंक कर लें ज्वाइन, ताकि लगातार आपको ऐसी अपडेट, क्रिप्टो की हर अपडेट आपके टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों ट्विटर पे क्या अनाउंसमेंट निकल के शाम को आई है, तो जस्ट BBC न्यूज कवर बिटकॉइन सेइंग ऑलमोस्ट हर्ली नाउ दिस वर्चुअली करेंसी इज हिटिंग
न्यू ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे जो दोस्तों बीबीसी न्यूज चैनल है, उन्होंने यहाँ बिटकॉइन को कवर करते हुए कहा है कि बिटकॉइन उस जगह पे पहुँच चुका है जहाँ पे वो हर घंटे के अंदर अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, मतलब बिल्कुल ऊंचाइयों पर चल रहा है। अब जो भी नया प्राइस बनता है, बढ़ता है, तो नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। एक बड़ा दोस्तों यहाँ पे चैनल है जिसने सपोर्ट की है बिटकॉइन को, जो कि बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। और आपको एक और यहाँ पे न्यूज़ बता दी जाए जिसका हो सकता है इसका जो नाइट कोड डाउन गई थी मार्केट, इस वजह से गई हो। यूएसए इन्फ्लेशन राइज टू 3.2% हायर देन एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट जो निकल के सामने आया है वो 3.2% हो चुका है, मतलब हाई हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं की गई थी। इस वजह से भी हो सकता है रात को जो मार्केट ट्रिगर हुई इस वजह से हुई, तो लेकिन एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा आया है, लेकिन मार्केट तो वापस रिकवर हो चुकी है। मतलब ये न्यूजें अगर पेयर रन के अंदर आती, जब मार्केट नीचे थी, आपको याद होगा 26,000-24,000 पे जब प्राइस था, तब अगर ये न्यूजें आती थी तो तब ये न्यूजें काफ़ी गिरा देती थी बिटकॉइन को। तो अब भाई बुल रन स्टार्ट है, तो कहाँ जा सकता है कि आपके सामने न्यूज आई, थोड़ा सा रिएक्ट किया और वापस से रिकवर हो गया बिटकॉइन। तो ये होता है बुल रन और बेयर रन में ये फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ अगर छोटी सी न्यूज़ भी आती है तो वो काफ़ी दिनों तक उस पर इम्पैक्ट पड़ता था, लेकिन अब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार ट्वीट निकल के सामने आया, 69K बिटकॉइन टुडे वीएस लास्ट वीक। तो 69 जो रात प्राइस देखा गया है वो यहाँ पे कहा जाके ये लास्ट वीक है, इसके बाद 69 प्राइस मुझे लगता है 2025 के एंड में जाके देखा जा सकता है, उससे पहले तो चांसेस नहीं है, हो सकता है उस टाइम भी ना आए। क्योंकि अगर बिटकॉइन की 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख तक के जो बड़े दिग्गज लोग हैं जो यहाँ कह रहे हैं कि इतना जा सकता है, तो भाई 69K तो फिर लास्ट वीक ही हुआ ना, यहाँ तक तो प्राइस नहीं पहुँचेगा अगर ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए अगले 2 महीनों के अंदर लाख से ऊपर प्राइस निकलने की उम्मीद है, उम्मीद क्या है, सभी कह ही रहे हैं, सभी एक्सपेक्टेशन ऐसा कर ही रहे हैं, तो वापस तो नहीं आ पाएगा ना 69, तो लास्ट वीक ही कहा जा सकता है। अगर हाँ इस वीक के अंदर हो सकता है दोबारा से दिख जाए, लेकिन जिसकी उम्मीद बहुत कम है, ऊपर ही बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों। और आपको अगला ट्वीट दोस्तों शानदार बताया जाएगा यहाँ पे, ब्लैक रॉक जिसका नाम हर वीडियो में आता है, आपके कान भी पक चुके होंगे सुन सुन के, और फेडलिटी दो जो ऐसे दिग्गज लोग थे जिनके पास बहुत कम बिटकॉइन पहले थे, बहुत कम मतलब कुछ 2 लाख के आसपास थे, आज क्या हो रहा है यहाँ पे 3,31,560 बिटकॉइन। इन लोगों ने तो भाई वास्तव में मजाक बना दिया बिटकॉइन का यार, इस लेवल पे बाइंग कौन करता है भाई, ऐसे लोग पॉइंटों के अंदर बिटकॉइन खरीदने के लिए सोचते रहते हैं और यहाँ पे भाई 3,31,560 बिटकॉइन को ये होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वर्थ है बात करें 23.4 बिलियन। भाई कमाल कर दिया, ये लोग ही बिटकॉइन को ऊपर लेके जा रहे हैं, ना कि कोई और लेके जा रहा है, इन लोगों की बदौलत ही बिटकॉइन बढ़ रहा है। और जब ये भाई पैसा वापस निकालेंगे तब मार्केट का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हो। जो छोटे ट्रेडर्स हैं इस बात को नज़रअंदाज मत करना, लेकिन क्या लगता है आपको इन्होंने सिर्फ होल्डिंग जो की है वो 1 लाख के लिए की है? नहीं, ये भाई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है, जब तक ये बिटकॉइन को 2.5-3 लाख नहीं पहुँचा देते, ये होल्डिंग बढ़ाते जाएंगे जैसे बिटकॉइन गिरेगा, और ये हलवे की तरह उसको खरीदते रहेंगे भाई, यही होता है वेल्स का वर्क, ये आप के देख सकते हैं। और अगला ट्वीट है दोस्तों, बिटकॉइन सरपास सिल्वर टू बिकम द 8th लार्जेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भाई बिटकॉइन दोस्तों वर्ल्ड में अपना नाम डेली टू डेली बढ़ा के दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे सिल्वर को भी इसने पास कर दिया। तो भाई कल मैंने आपको बताया था 13वीं करेंसी थी जो, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया, 12वें नंबर पे बिटकॉइन पहुंच चुका है। तो कहाँ जाएगा भाई, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसको कोई गोल्ड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन इसमें तो भाई कम से कम अभी 2025 के एंड तक इसको ऐसे ही रहना है। और अगर ये कॉइन बिटकॉइन ऐसे बढ़ेगा तो भाई मीम कॉइन कहाँ तक जाएंगे, फट जाएंगे मीम कॉइन, देखते जाओ, अभी तो बुल रन स्टार्ट हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।